तो दोस्तों मोहब्बत गई बाहर में, हम चले पहाड़ में, इसी दो लाइनों के साथ आज हम आ चुके हैं जाम गेट, जो कि इंदौर से 50 किलोमीटर की दूरी पर होने वाला है। दोस्तों जैसे हम यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले हमें शानदार नेचुरल प्लेस देखने को मिलता है, देन यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें भी देखने को मिल जाती है। यहाँ से दोस्तों हम मौसम का मज़ा लेते हुए डायरेक्ट निकल चलते हैं जाम गेट के पास। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले हम गाड़ी पार्क में लगाते हैं, देन टिकट लेते हैं और निकल चलते हैं ऊपर का खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए। तो दोस्तों हमारे दोस्त तो निकल चले हैं ऊपर की ओर। तो दोस्तों जैसे हम यहाँ से चलते हैं, छोटा रास्ता देखने को मिल जाता है, देन यहाँ से हम चलते हैं थोड़ा आगे की ओर, तो बीच में कुछ कुछ महल टाइप में गेट देखने को मिल जाता है। देन दोस्तों यहाँ से देखते हुए हम चलते हैं डायरेक्ट ऊपर की ओर। अब हमसे भी सब्र नहीं हो रहा है, तो दोस्तों चले चलते हैं अब थोड़ा जल्दी। तो फ्रेंड्स जैसे हम यहाँ पर आते हैं, हमें खूबसूरत गेट का नज़ारा व आसपास का एरिया देखने को मिल जाता है। देन दोस्तों यह आप देख सकते हैं कि यह कितना फॉग ही फॉग दिख रहा है। देन दोस्तों यहाँ से हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ से हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, हमें कुछ विचित्र प्रकार का प्राणी देखने को मिल जाता है, जो कि आप सामने देख रहे हैं। अगर पहले आपने इसे नहीं देखा हो तो आप देख लीजिए। देन दोस्तों हम चलते हैं दूसरी ओर, यहाँ से नज़ारा और भी खूबसूरत दिखने वाला है। तो दोस्तों यहाँ से हम अब चलेंगे नीचे की ओर। तो दोस्तों यहाँ से हम नीचे की ओर चलेंगे और वहाँ से आपको बताएंगे जाम गेट का नज़ारा नीचे से कैसा क्या दिखता है। तो दोस्तों चले चलते हैं अब डायरेक्ट नीचे की ओर। तो दोस्तों यहाँ से हम अभी उतरे हैं और जो आप सामने देख रहे हैं, जो सबसे हाईएस्ट टॉप पर पहाड़ी है, वहीं पर जाम गेट है। भाई साहब आप देख सकते हैं ये पूरा जंगल कितना घना है। देन दोस्तों यहाँ से हम निकल चलते हैं रिटर्न। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने ज़्यादा लोग आए हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इंदौर में है तो एक बार यहाँ पर ज़रूर आना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स बाय।